नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और सानंद होंगे। आप सबों के सुख शांति और समृद्धि की मैं ईश्वर से कामना करता हूं। प्रत्येक दिन की तरह उपस्थित हूं आज फिर से आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो में। इससे पहले कि मैं आज का स्टॉक आपको बताऊं, मैं उससे पहले आप लोगों को खुशखबरी देना चाहूँगा। किस कदर मेरे स्टॉक्स ने आज इस गिरते हुए मार्केट पर भी परफॉर्म किया है, जबकि मार्केट सेंटिमेंट्स इतने ख़राब हैं, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गोकुल एग्रो, दो दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो नंबर 168 में बताया है, 169 में बताया है, और पहले तो ना जाने कितनी बार बताया, उसकी बात छोड़िए। 23 रुपीज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, आज इसने 26 को टच कर लिया है। आज भी इसमें लगभग 8% की तेज़ी थी, और अगर देखा जाए तो टोटल 15% की तेज़ी सिर्फ पिछले 3-4 दिनों में रही है, जो मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है। अगर ये 28 का लेवल डिसिसिवली ब्रेक करता है तो री एंटर करिएगा। 1 महीने से लेकर 3 महीने तक इसको टाइम दीजिएगा, मुझे लगता है आपको 32 का लेवल डेफिनेटली शो करेगा अगर ये 28 को पहले क्रॉस कर जाता है तो। अभी इसमें लिमिटेड अपसाइड बचा है और 27 पर इसको एग्जिट कर दीजिएगा 27 के लेवल पर। अगर 28 को क्रॉस कर गया तो 28 से 32 को देखें तो यहाँ पर 15% का गेन यहाँ भी आपको आता हुआ दिखाई देता है। देखिए IEX बहुत दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी हाल में भी ये वीडियो नंबर्स हैं 146 और 156, 388 से चलते हुए आज इसने अपना लेवल ब्रिज कर दिया है, पास्ट लेवल, और इसमें एक बहुत बड़ी तेज़ी आने का आसार है। और 388 से जो आज इसने लेवल ब्रिज किया है तो 403 404 के लेवल को ऑलमोस्ट टच कर लिया है। यहाँ पर जो गेन था आज बहुत ही ज़बरदस्त था, 4% के आसपास इसमें तेज़ी थी। और चूंकि इसने एक अपना पुराना लाइफ हाई ब्रिज किया है, अगले 1 महीने से 3 महीने के लिए जो टारगेट मैं IEX में देखता हूं, ये है 445 का, 397-98 के आसपास बंद हुआ, और यहां से 445 को देखें 12% के आसपास यहां पर तेजी आती हुई मुझे दिखती है, तो काफ़ी बढ़िया अपसाइड है इसमें। वीडियो नंबर 159 मतलब आज से 8-10 दिन पहले मैंने आप लोगों को कैरियर पॉइंट बताया था, और मेरे बताने के नेक्स्ट डे ही ये 118 से चलता हुआ लगभग 144 के लेवल को टच किया था इसने, और इसमें बहुत भारी तेज़ी थी, लगभग 18-20% की तेज़ी तो उसी दिन थी। उसके बाद फिर से गिरकर अभी फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और आज देखिए आज इसने 126 से लगभग 134 का लेवल टच किया, और यहाँ भी एक ज़ोरदार तेज़ी थी 6-7% की, और इसका टारगेट अभी 150 है, तो अभी भी इसमें एक बढ़िया अपसाइड बाकी है। देखिए हाल ही में मैंने GAEL गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को आप लोगों को रिकमेंड किया था वीडियो नंबर 162 में, यानी कि 5 दिन पहले ही किया था, लगभग 167 के लेवल पर किया था मैंने आपको रिकमेंड, वहां से थोड़ा नीचे गया, फिर आज इसमें एक अच्छी तेजी थी और ये 176 के लेवल पर चला आया है, लगभग 6% के आसपास का यहाँ पर अपने पीक पर इसने गेन दिया है आपको। अभी भी इसमें एक बढ़िया अपसाइड बचता है, 176 से अभी ये 185 जाने का मादा रखता है, और यहाँ भी देखें तो कम से कम 5-6% का गेन यहाँ भी आता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो अभी जो नेक्स्ट टारगेट है 185 है। मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, और ये पैट्रॉन मेंबर्स के लिए है। इसमें कुछ सुविधाएं हैं, हफ्ते में एक बार आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि मुझसे इंटरेक्ट कर पाएं सीधे कॉल पे, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं फीड्स डालता रहता हूँ, अच्छा मोमेंटम होता है ऐसे स्टॉक्स का फीड्स डालता रहता हूँ। टॉप शेयर आइडियाज, ये जो मेरे चैनल का नाम है @gmail.com, इस मेल आईडी पर अपना अपना नेम और अपना मोबाइल नंबर ये भेज दें मुझे, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और फिर उस मेल पर हम रिवर्ट करेंगे, और उस ग्रुप में जब आपको ऐड करेंगे तो आपको सारी सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। देखिए इस ग्रुप में एक जो मैंने टारगेट फिक्स किया है वो ये किया है कि पर क्वार्टर आपको 15% का गेन मिलना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरे सारे पिछले वीडियोस को जाकर देखिएगा कि कितने भयंकर गेंस मेरे स्टॉक्स ने दिए हैं मेरे रिकमेंडेशन के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बहुत हाई मोमेंटम में और बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, जो कि बहुत कम समय में, कई बार 10 दिनों में, 15 दिनों में, कई बार महीने और 3 महीने में भी बहुत भयंकर भयंकर गेंस दिए हैं। आप मेरे पिछले 8-10 वीडियोज को जाकर देखिए, आपको पता पड़ जाएगा। तो देखिए 15% क्वार्टरली मतलब 3 महीने के लिए हमने टारगेट रखा है क्वार्टरली, और सालाना जो टारगेट रखा है हमने 40-50% का, क्योंकि थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है मार्केट में, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हम 40% का या 50% का गेन बिल्कुल करवा कर देंगे, लेकिन आप मेरे स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए और खुद डिसाइड करिए कि क्या यह पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों में सेल ने 50% का, मोइल ने लगभग 25% का,
एनएमडीसी ने लगभग 25% का, नालको ने लगभग 30% का, ऐसे भयंकर भयंकर गेंस दिए हैं। ये 30, 40, 50% के गेंस तो ये पिछले 10 दिनों में हुए हैं। 40 से 50% अचीव करना कोई बहुत इम्पॉसिबल काम नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं 15 से 20% का ही गेन दे पाते हैं, और जो बहुत अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं वो 20 से 25% का या मैक्सिमम 30% का गेन दे पाते हैं। पर हमने अपना टारगेट यहाँ से ज़्यादा रखा है, 40 से 50% रखा है, और ये सुविधा उन्हीं को मिलेगी जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे पेट्रॉन मेंबर के तौर पे। देखिए मैं बात करूंगा जेसीटी की। हाल में भी 166 और 169 ये वीडियो नंबर्स हैं, इनमें भी आपको बताया था, और 1 रुपी का स्टॉक देखिए कहाँ चला आया, 1.33, यानी कि 33% का गेन इसने सिर्फ 3 डेज में दिया है। मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अपने बारे में बता दूँ आपको, मैंने इसको एक बार खरीदा, मुझे एक्चुअली उस दिन कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने 10% का प्रॉफिट लेके इसको उसी दिन मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि कहीं और लगाना था, बेहतरीन स्टॉक नहीं लगाना था तो लगा दिया, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं मिस कर गया, उस दिन मुझे नहीं मिल पाया। आज मैंने फिर से इसमें ट्राई किया और आज ये मुझे मिल गया है, बड़ी मुश्किल से मिला पर मिल गया। तो 1.33 पे मैंने आज इस पर फिर से री एंटर किया है, और मुझे लगता है कि इसको 1.6 से नीचे तो मैं कतई इसको एग्जिट नहीं करूँगा, और किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगा एग्जिट करने के लिए। तो यहाँ से भी एक बढ़िया अपसाइड अभी दिखता है मुझे लगभग 30% के आसपास का। हाँ, लेकिन इसमें ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, अपने पोर्टफोलियो का लगभग 1% लगाइएगा, बस इतना ही लगाइएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक है, कई बार धोखा दे जाता है। इज़्मो ये मैंने वीडियो नंबर 109 में बताया, 130 में बताया और 149 में बताया, यानी कि 15-20 दिन पहले भी आप लोगों को ये बताया है। और देखिए 53 रुपीज़ से मैं बोलता आ रहा हूँ, और वहाँ से आज जो इसने लेवल टच किया है 92 का, और इसमें एक माइंड बॉगलिंग 80% का प्रॉफिट आप लोगों को मिला है। और कितने दिनों में देख लीजिए, 109 से ये वीडियो जो है 170वां वीडियो है, तो लगभग 61 डेज होते हैं, और इसमें बहुत सारे तो सैटरडे संडे हैं, उनको निकाल दीजिए, तो लगभग 50 डेज में यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर लगभग 80% का गेन आपको मिला है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने है। आज मैं जिस स्टॉक की बात आप लोगों के समक्ष करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम आपके सामने आ गया है, और इस स्टॉक का नाम है अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन क्या है, काम क्या करता है, इज प्रेजेंटली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस एंड बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस एंड सेल ऑफ रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, मतलब जो ये जो कॉन्क्रीट मिक्स करके बेचे जाते हैं जो बड़े बड़े बिल्डर्स के यूज में आते हैं बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। उसके अलावा बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर, इसका मतलब होता है कि आप बनाइए, आप ही उसको ऑपरेट करिए और अपना फायदा लेके उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दीजिए गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज़ को। इसी तरह इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब आप इंजीनियरिंग करिए और इंजीनियरिंग के लिए जो प्रोक्योरमेंट है वो भी, वो काम भी और साथ में उसका कंस्ट्रक्शन भी, तो ये सारे कामों में अशोका बिल्डकॉन है, और काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, जानी मानी कंपनी है। मार्केट कैप कम है इसका, 2364 करोड़ है। अगर आप पूछें कि मैं क्यों ये आप लोगों के लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका जो करंट प्राइस है वो 84 है, और जो इसका लाइफ हाई है वो 120 है, अभी जो हाल में इसने कुछ दिनों पहले 3-4 महीने पहले ही बनाया था, और वहाँ से लगभग 30% के आसपास डाउन है, बिल्कुल बॉटम पर आपको मिल रहा है। इससे नीचे जाने की संभावना मुझे काफ़ी कम लगती है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और मार्केट कैप देखिए 2364 करोड़, स्टॉक पी देखिए यहाँ पर राज छुपा हुआ है 8.81, जो कि बहुत ही लो है, बहुत ही लो। ROCE देखिए कितना भयंकर है, 20.8%, और ROE देखिए ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, 47.2% ROE। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ROCE और ROE 20 के आसपास हों या इससे ज़्यादा ज़्यादा हों तो उस कंपनी का भविष्य तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी बहुत ही अजब गजब है। ROE 47.2% का देखने को आपको रेयरली मिलेगा, रेयरली, बहुत कम स्टॉक्स में मिलता है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। यहाँ पर देखिए पिछले 3 क्वार्टर्स में जो फिगर्स हैं सेल्स के, 761 करोड़, 1189 करोड़, 1305 करोड़, यानी कि इसमें लगातार इंक्रीज हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना महामारी की वजह से जो रियल इस्टेट और इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के काम हैं, उनको काफ़ी हर्डल फेस करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी देखिए लगातार इसके सेल्स के फिगर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट में जून 2020 में -28 करोड़,
और फिर सितंबर 20 में 73 करोड़, दिसंबर 20 में 88 करोड़। तो कोरोना के बावजूद देख रहे हैं काफी प्रॉफिटेबल वे में चल रहा है इसका बिजनेस। इस बार भी उम्मीद है कि इस क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं आपको टिकर टेप पर लिए चलता हूँ, यहाँ पर दिखाना चाहूंगा करेंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। जो करेंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं कम पर आपको मिल रहा है। देखिए अशोका बिल्डकॉन का डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले 7-8 दिनों का। अप्रैल 30 को 45%, फिर 51%, 53%, 53%, 59%, 48%, 45%, 47%, ये देख रहे हैं। तो 40-45 से कम तो कोई है ही नहीं और कई सारे 50 से ऊपर हैं। तो 50-50% की डिलीवरी जब उठाई जाएगी तो आप समझ सकते हैं उस स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूवमेंट उसके प्राइस में डेफिनेटली आने वाला है। और इस समय बिल्कुल बॉटम पर आपको मिल रहा है। देखिए ये इसका लाइफ चार्ट हमने लगा रखा है। 2020 में जब ये मार्केट क्रैश हुआ था 36 रुपीज़ के आसपास ये चला गया था और वहाँ से लगातार बाउंस बैक किया है। देखिए कंटिन्यूस ग्रोथ है, कंटिन्यूस ग्रोथ है देखिए लॉन्ग रन में। और यहाँ पर इसने 120 का लेवल टच किया, यानी कि देखें तो अपने लो से अपने हाई तक इसने लगभग 3.5x 350% का इसमें इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 120 के बाद लगातार इसमें गिरावट रही है, क्योंकि एक तरफा तेजी भी हुई है तो गिरावट भी हुई है। और यहाँ पर लगभग 78 के आसपास इसने अपना बॉटम बना लिया है और लगातार कुछ दिनों से यहीं पर ट्रेड कर रहा है। और इसका मिनिमम टारगेट जो मैं देखता हूँ, जो जैसा कि इसका फंडामेंटल्स, तो यहाँ से जो मिनिमम टारगेट है वो है 100 का। अभी इसमें ऑलरेडी थोड़ी तेजी आ चुकी है, 84 के आसपास है। और यहाँ से 100 को देखा जाए तो भी इसमें लगभग 20% की तेजी तो पक्का बनती है। अभी इसका रिजल्ट मेरे ख्याल से नहीं आया है, मैंने चेक भी किया था, मुझे तो नहीं दिखा, हो सकता है आ गया हो पर मुझे मिला नहीं। लेकिन अगर इसमें रिजल्ट इस बार अच्छा आता है तो फिर टारगेट 100 नहीं, टारगेट फिर 120 होगा। और जनरली इसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। इसको खुद भी स्टडी करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी इसमें अपना पोजीशन बनाइएगा। सिर्फ मेरे वीडियो को देखकर इसमें पोजीशन बिल्कुल मत बनाइएगा। मेरा जो वीडियो होता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। बहुत सारे सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करके, रिसर्च करके, एनालाइज करके आप लोगों के लिए लाता हूँ। और इस तमाम परिश्रम के बदले आपसे एक छोटी सी उम्मीद होती है, एक छोटी सी विनती कि आप मेरे इस परिवार का सदस्य बनेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए इसको मित्रजनों परिवारजनों के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जबरदस्त वीडियो में कल फिर से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।